हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं रोहित कुमार, मैं आपको आपका अपना चैनल महाकाशी ग्रीन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, फाइनली हम लोग बैजनाथ धाम यानी कि बाबा धाम पहुंच गए हैं दोस्तों। और ये जो सामने दोस्तों आप देख रहे हो इधर शिव गंगा है, और यहीं पर हम लोग स्नान ध्यान करेंगे और इसके बाद बाबा यहां से संकल्प कराएंगे, तब जाकर के जल ढारूंगा। सुबह के करीब करीब 2 बज रहा है दोस्तों, और 2 बजे हम लोग यहां पहुंच गए हैं और वीडियो भी स्टार्ट कर चुका हूँ। क्या सिलम, कैसा लग रहा है? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। जो खुशी यहाँ पर मिली है दोस्तों आकर के, अभी तो दर्शन नहीं हुआ बाबा का, जब बाबा का दर्शन होगा तब मैं बताऊंगा। पंडित जी लोग, पंडा जी लोग हैं इधर, हाय बोल दीजिए। हाय हाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों चलते हैं, पहले स्नान करते हैं, और ये 4 दिन के सफर के बाद दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। तो चलिए शिवम, एकदम रेडी हो गए हैं। अब संकल्प बाबा जो है यहाँ पे संकल्प कराएंगे, और संकल्प कराने के बाद फिर हम लोग जाएंगे बाबा बैद्यनाथ के दरबार में जाएंगे और वहाँ दर्शन करेंगे। तो बाबा से ये जो शिव गंगा है इनके बारे में जानते हैं। तो बाबा, इस शिव गंगा के बारे में बताइएगा, क्या महत्व है? ये शिव गंगा का यहाँ पे बहुत महत्व है जी। यहाँ पे जितने भी कांवरिया जल लेके आते हैं सारे शिवगंगे में स्नान करते हैं, उसके बाद संकल्प करा के एक लोटा जल लेके जाते हैं बाबा को अर्पित करने। तो बाबा संकल्प कराते हैं, मुझे भी संकल्प कराएंगे, और इसके बाद बाबा को अर्पित करने चलेंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों आप मुझे बोलिएगा ओम नमो अद्य अद्य बर्मणे द्वितीय परार्धे श्री श्वेत बारह कल्पे वैवस्वते मन मंत्रे अष्टाविंशति कली युगे कली प्रथम चरणे आर्यावर्ते का जम्बू द्वीपे भरत खंडे बाबा बैजनाथ राम क्षेत्रे माशोत्तमे मासे रे रे सुगम ठाकुर। फाइनली दोस्तों हम लोग नहा वहा करके शिव गंगा में और संकल्प फिर लिए हैं। संकल्प लेने के बाद जैसे आप देखे हैं बाबा से, और आप आना चाहते हैं बाबा से संपर्क करना चाहते हैं तो बाबा का कांटेक्ट नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप बाबा से कांटेक्ट कर लीजिएगा, पूरा चीज़ बाबा यहां करा देंगे। अगर अंदीना में आप आते हो तो सभी अंदर जा कर के स्पर्श दर्शन करवाएंगे बाबा। तो अभी तो अर्घा से दर्शन होती है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं, दर्शन करते हैं बाबा बैजनाथ धाम की। और फिर दोस्तों मिलता हूँ कुछ ही देर में, अंदर जब जाता हूँ तो मिलता हूँ दोस्तों। वो जो आप देख रहे हैं वहीं से हम लोग जाएंगे अंदर, और जो आप देखे हैं वहीं से अंदर जाएंगे। यहाँ से उधर 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 चलिए चलिए दोस्तों। हम दोनों लोग 3:30 बजे लाइन में लग चुके हैं, अब देखता हूँ जल कितने बजे चढ़ती है। 3:30 में जो है लाइन में लग चुका हूँ, करीब करीब 7-8 किलोमीटर का लाइन है दोस्तों। देखता हूँ जल कितने बजे चढ़ती है यहाँ से। दोस्तों मंदिर का दर्शन आप कर सकते हो यहाँ से। आप मंदिर का दर्शन कर सकते हो। अंदर हम लोग हैं, अंदर देख सकते हो फुहारा लगाया हुआ, ऊपर पानी गिर रहा है ठंडे के लिए। अंदर देख सकते हो पूरा लाइन में लगा हुआ है, और ठंडे के लिए थोड़ा पानी लगा हुआ, फैन चल रहा है ताकि ठंडा होता रहे। बोल बम दोस्तों, फाइनली दोस्तों हम लोग जो जल है
बाबा पर अर्पित कर दिए हैं दोस्तों। बहुत ही कम टाइम लगा है, आधा घंटा मुश्किल से समय लगा है दोस्तों, क्योंकि हम लोग गोल गोल चक्कर पर नहीं घूमे हैं। तो बाबा पर जल अर्पित कर दिए हैं, अब मैया पार्वती पर जा रहे हैं दोस्तों जल समर्पित करने। जो देख सकते हो शिवम अभी भी बहुत चक्का है, क्या बाबा का दर्शन हुआ? चलिए चलिए दोस्तों चलते हैं, मैया का दर्शन करते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। इधर देख सकते हो दोस्तों यही है टेम्पल। दोस्तों माँ पार्वती के जल अर्पित करने जा रहे हैं, तो पूरा एसी हुआ है, देख सकते हो आप पूरा एसी है और उससे ज्यादा टाइम इसी में लग रहा है, भोला बाबा से ज्यादा टाइम माँ पार्वती के दर्शन में लग रही है, देख सकते हो तो पूरा एसी है। आरती भी कर सकते हो, इधर बगल में देख सकते हो जैसे यहाँ आरती हो रहा है, तो भोला बाबा का आरती भी कर सकते हो यहाँ से। और इधर देखो दोस्तों यही है भोलेनाथ का बाबा का जो मंदिर है वह यही है, आप देख सकते हो दोस्तों यही है भोले बाबा का मंदिर। पार्वती का मंदिर दोस्तों ये रहा। फाइनली दोस्तों हम लोगों का दर्शन हो चुका है, भोला बाबा का भी जल समर्पित कर चुके हैं, मैया पार्वती का भी जल समर्पित कर चुके हैं। यह जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है और यह जो मैया पार्वती है वह 51 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ भी है। और इसकी क्या कहानी है, क्या मानते हैं, वह सभी हम यहाँ से दूर चलिए दोस्तों बताता हूँ। यहाँ काफी भीड़ है दोस्तों, देख सकते हो भीड़ काफी है और मात्र 1.5-2 घंटे में हम लोगों ने पूरा दर्शन कर लिए हैं दोस्तों। और शिवम क्या कैसा लगा दर्शन करके? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा दर्शन करके, दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हो गया दोस्तों। अब चलिए दोस्तों चलते हैं वासुकीनाथ दर्शन करेंगे और ये बाबा का जो कहानी है वो भी मैं आपको रास्ते में ही बता दूंगा। दोस्तों वहाँ पे समय नहीं मिला है, भीड़ काफी थी, इसी कारण वहाँ पे नहीं बता पाया हूँ। तो मैं ऑटो में हूँ, वासुकीनाथ जा रहा हूँ, तो सेकंड वीडियो जाएगा वासुकीनाथ के लिए आएगा और वासुकीनाथ के बारे में उस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो में बता रहा हूँ दोस्तों बैद्यनाथ धाम के बारे में। तो ये बैद्यनाथ धाम क्या है, तो दोस्तों क्या मानते रखते हैं बैद्यनाथ धाम? तो दोस्तों ये जो बैद्यनाथ धाम है इसकी मानता है, जब पार्वती जी कैलाश पे थे, तो जब पार्वती जी कैलाश पे थे तो भगवान शिव से कहने लगे कि मेरे लिए भी एक महल बनाइए, मेरे लिए भी एक महल बनवाइए। तो शंकर जी उनको कहते थे कि मेरे नसीब में महल नहीं है, यह कैलाश पर्वत ही है। फिर भी जीत पर डाल करके पार्वती जी ने महल बनवाया और शंकर जी भी मान गए महल बनवाने के लिए। तो सोने का लंका जो है वह भगवान जो विश्वकर्मा जी हैं उन्हीं के द्वारा बनाया गया था पार्वती जी के लिए और शंकर जी के लिए। जब गृह प्रवेश होता है तो गृह प्रवेश में पंडित जी को बुलाया जाता है, तो उसी पंडित जी में रावण के जो पिताजी थे उसे बुलाया गया था कि उसे गृह प्रवेश करवाए। जब सब चीज हो गया, पूजा पाठ हो गया, तो दक्षिणा मांगा जाता है। तो शंकर भगवान बोले कि हे ब्राह्मण मुझसे क्या दक्षिणा तुम चाहते हो? तो इतना सोने का लंका देख करके उसके मन में लालच आ गया और वह दान में वह सोने का लंका ही मांग लिया। तो क्रोधित होकर के पार्वती जी ने उसे श्राप दे दिया कि यह सोने का लंका एक दिन जल के भस्म हो जाएगा। तो उसी श्राप से कुपित होकर के उसकी रावण की जो माँ जो है वह रावण को कहा तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया है और वह श्राप लग जाएगा, अगर भोले बाबा ही यहाँ आकर रहने लगे तो वह श्राप नहीं लगेगा। तो रावण जो है जो वहां से आए भोले बाबा को लेने कैलाश पर्वत, तो भोले बाबा तो जाने में नहीं रहे, लेकिन जिस शिवलिंग को पार्वती जी खुद पूजती थी और उसमें साक्षात महादेव विराजमान थे उसे लेकर के रावण वहां से चलने लगा। लेकिन महादेव उसके सामने एक शर्त रख दिया था कि अगर बीच में कहीं भी उस शिवलिंग को रख दीजिएगा तो वहीं पर स्थापित हो जाएगा और जल के माध्यम से जो माँ गंगा थी वह रावण के मुंह में प्रवेश कर चुका था। तो रावण के इसी जो झारखंड है यहाँ पे देवघर, इसी देवघर में लघुशंका लग गया और इतना लघुशंका हुआ लगा दोस्तों
वह लघु संख्या करते गया और भगवान विष्णु जो थे वह बालक के रूप में एक आए हुए थे और यहीं पे रावण जो है वो बालक से देख करके बोला था शिवलिंग को रखो हम जब तक लघु शंका करके आते हैं। तो वह लघु शंका करने गए और शिव जी को वह जो बालक था वो रखे हुआ था। तो जैसे ही उस बालक को बहुत देर हो गया तो बालक क्या किया सो उस शिवलिंग को नीचे रख दिया। जैसे ही नीचे रख गया तो उस शिवलिंग वहीं पर स्थापित है, आज तक शिवलिंग जो है वहीं पर स्थापित है। तो यही है वह कहानी है, संक्षिप्त में बताया हूँ दोस्तों, बहुत ही कम हमें बताया होगा, कुछ त्रुटि हुई तो दोस्तों क्षमा कीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक जाइए मेरे इस चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट कर ले। मैं रोहित कुमार मोहगा सिंह, वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। और हाँ, प्यार करते हैं आपसे, बोल बम।